अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सनैन एजाज गियानी और आप देख रहे हैं इनफॉर्मेटिव स्पोर्ट टीवी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PSL सन 2023 के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल इनफॉर्मेटिव स्पोर्ट टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने प्लेटिनम कैटेगरी में एलेक्स हेल्स और शादाब खान को रिटेन किया था, जबकि इन्होंने रेमानुल्ला गुरबाज को PSL ड्राफ्ट के ज़रिए प्लेटिनम कैटेगरी में पिक किया। दोस्तों, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने डायमंड कैटेगरी में आसफ़ अली और मोहम्मद वसीम जूनियर को रिटेन किया था, जबकि फजल उल हक फारूकी को इन्होंने डायमंड कैटेगरी में पिक किया। बाद यूनाइटेड की टीम ने गोल्ड कैटेगरी में आज़म खान, फ़हीम अशरफ और हसन अली को रिटेन किया था, और सिल्वर कैटेगरी में इन्होंने ऑल स्टर्लिंग और कोलिन मनरो को भी रिटेन किया था, जबकि सोहेब मकसूद को इन्होंने सिल्वर कैटेगरी में PSL ड्राफ्ट के ज़रिए पिक किया, और रुमान रईस और इब्रार अहमद को भी इन्होंने PSL ड्राफ्ट के ज़रिए पिक किया। दोस्तों, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इमर्जिंग प्लेयर्स में हसन नवाज़, ज़ीशान ज़मीर को पिक किया, जबकि सप्लीमेंट्री प्लेयर्स में इन्होंने मोइन अली और मुबशिर खान को पिक किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड के बारे में बताया। दोस्तों, आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इससे कबल हमने अपने चैनल पर लाहौर कलंदर, क्वेटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के स्क्वाड्स की भी वीडियोस अपलोड की हैं। दोस्तों, अगर आप वो वाली वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा।